أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَصُبُغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا جَمَّعَنِ الْإِحْسَاءِ عَدَدُهَا وَنَّا عَنِ الْجَذَائِ أَمَدُهَا وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَصَفِيِّهِ وَخَيْرَتِهِ وَأَمِينِهِ عَلَى الْوَاحِيَةِ الذين تجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبي التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مردودة غلؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان الدين السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن صلوات بھیجی محمد بزرگان محترم عزیزان گرامی حضرت صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایام ادائے فاطمیہ ایک تحریک ہے مظلوموں کے دفاع کے لیے ایام ادائے فاطمیہ ایک تحریک ہے ظالموں سے مقابلے کے لیے اور تحریک کبھی بھی گھنٹے دو گھنٹے
चार घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे में कामयाब नहीं होती। कभी भी तहरीक, तहरीक के लिए पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। और तहरीक से उसी को इश्क होता है जिसका रूहानी राबता मुहर्रिक से होता है, या रूहानी राबता या खूनी राबता। इसके अलावा कोई तहरीक आगे नहीं बढ़ सकता। पेडेड तहरीक कभी आगे नहीं बढ़ती। बाहर से जब तक तेल डाला जाता रहेगा वो उसी वक्त तक चलेगा जब तक उसमें तेल पड़ता रहेगा। जहां से तेल डालने वाला रुका वहां से तहरीक भी रुक जाएगी। तहरीक चलाने वाले के लिए, तहरीक पर अमल करने वाले के लिए जरूरी है कि चश्मे की तरह खुद ब खुद उसमें जोशिश पाई जाए। खुद वो जोश मारता हो, जब तक के उसके बातिन से सोता न फूटेगा, कुछ नहीं होने वाला है। सैयद मुर्तजा के जमाने में ये जो आज चार मुसल्ले हैं, सैयद मुर्तजा के जमाने में ये 400 मजाहिब थे जिनको निचोड़ के चार मुसल्ले बनाए गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सैयद मुर्तजा की एक किताब अल इंतजार अल्लामा मजलिसी की 110 जिल्द बिहारुल अनवार पर भारी है। एक जिल्द 100 सफे के आसपास की किताब है वो अल इंतजार। ये क्यों? एक जिल्द 100 सफे के आसपास की, 110 जिल्द पर या पुरानी 25 जिल्द पर भारी है। क्यों? इसलिए कि वो एक किताब है लेकिन उसका हर मसला शुरू ही होता है मिम्मन फरदत बहिल इमामिया। इस मसले में सिर्फ और सिर्फ इमामिया इसके कायल है। ये मिम्मन फरदत बहिल इमामिया का मतलब क्या है? यानी 400 जो मजाहिब हैं उनमें ये नजरिया नहीं पाया जाता है, फकत ये इमामिया का नजरिया पाया जाता है। 400 मौजूदा मजाहिब के दरमियान ये दावा करना कि मिम्मन फरदत बहिल इमामिया, यानी 400 मजाहिब के नजरिए पर हावी होना पड़ेगा, मुसल्लत रहना पड़ेगा, तब कहा जा सकता है ये वो मसला है जिसमें इमामिया इकलौते हैं। वरना एक मजहब वाला कह देगा आप ही थोड़ी, हम भी नहीं देखे, वो आपको कह देगा हमारा नजरिया है। सैयद मुर्तजा उस जाते वाला सिफात का नाम है। ये सैयद मुर्तजा के जमाने में ये 400 मजाहिब निचोड़ के 4 में तब्दील हुए। क्यों तब्दील हुए? हुकूमत ने कहा, वक्त की हुकूमत ने कहा कि हम इतने मजाहिब को डील नहीं कर सकते हैं, हम इतने मजाहिब को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए लोग एक दूसरे मजहब में जम हो जाएं। और जम होने का तरीका यह है कि अपने आप को इन 4 में समेट लें, और जिसको अपने आप को मनवाना है वो इतनी रकम दे। मसला आया कि ये 4 क्यों 4 रह गए? मकतबे अहले बैत 5वां इसमें क्यों नहीं हुआ? ये 4 मुसल्ले क्यों रह गए? ये 5वां क्यों मकतब नहीं शामिल हुआ?
जब बात आई मकतबे अहले बैत की कि इसको भी शामिल किया जाए, तो हुकूमत वक्त ने जो रकम बताई थी, सैयद मुर्तजा ने कहा कि आधी रकम हम देते हैं, आधी रकम पूरी कौम मिलके दे। फाइनी की रिवाज पैसा सब तो हुकूमत ने तो लूट लिया था, तो वो आधी भी कहां से होती, मिली नहीं, नहीं मिली तो नतीजा क्या हुआ? हुकूमत ने कहा यही चार है रस्मी, यही चार है कानूनी, जो हुकूमत के रास्ते पर चलेंगे। गुर्बत की वजह से ये पांचवा शामिल नहीं हो पाया, शायद इसी में मसलहत रही हो, शायद इसी में मसलहत रही हो कि जो मजाहिब हुकूमत की तरफ से चले वो 400 से 4 में सिमट गए, और वो भी 400 से जो 4 में सिमटे वो उनको काफिर कह रहा है, वो उनको काफिर कह रहा है, वो उनको काफिर कह रहा है, चारों एक दूसरे को काफिर कहते हैं। आप अंदर जाके देखिए तो पता चलेगा, क्यों? इसलिए कि मुसलसल बाहर से तेल डाला जाता है, कभी इस हुकूमत ने तेल डाला, कभी उस हुकूमत ने तेल डाला, तो जब तक बाहर से तेल डाला जाता रहा 400 रहा, जब समेट आ गया तो 4 में आया, जब अपनी नौबत आई तो एक दूसरे को काफिर कहा जाने लगा। लेकिन जहां से बातनी तौर पर खुद सोता फूटता है, वहां जो पहला कहता है वही दूसरा कहता है, वही तीसरा कहता है, वही आखिर तक कहता है, अव्वलना मोहम्मद व आखिरना मोहम्मद व औसतना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, सलाम भेजिए मोहम्मद। तहरीक जब तक ये तमन्ना रहेगी कि बाहर से तेल डाला जाए, तहरीक आगे नहीं बढ़ सकती है। जब तक बाहर से तेल डाला जाता रहेगा, यजीद रहमतुल्ला रहेगा, जैसे ही वो तेल खत्म होगा, वही जो रहमतुल्ला कह रहे थे वही लानतुल्ला कहेंगे। इसलिए तलवार का पानी जब तक इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जब हारून रशीद ने कहा अंता इमाम राफिदा, क्या आप राफदियों के इमाम हैं, तो क्या जवाब देना चाहिए था, जवाब क्या था इसका, या हां या नहीं, ये जवाब नहीं, लेकिन जवाब ही नहीं है उसको, ये जवाब ही नहीं देते उसको, एक दूसरी बात कह देते हैं, क्या कहते हैं, अंता इमामुल हुसूम व अना इमामुल कुलूब, तू तलवारों का इमाम है, मैं दिलों का इमाम हूं। मतलब क्या है, जब तक तलवार का पानी रहेगा यजीद जैसा लानतुल्लाह रजी अल्लाह होगा, और जहां ये पानी गिरा वहां लानत का तो कयामत तक रहेगा। लेकिन जिनके जिनकी मोहब्बत, जिनकी फजीलत, जिनके कमालात तहरीक की सूरत में लोगों के दिल में उतर जाते हैं, वो नस्लें गुजर जाने के बावजूद, दीवारों में चुने जाने के बावजूद, खून के गारे बनाए जाने के बावजूद, रहती दुनिया तक दिलों का उनके आगे झुकना इस बात की अलामत है। जब तक कायनात में सही कुलूब रहेंगे, आले मोहम्मद की दुश्मनी को पैदा नहीं कर सकता है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद। तो अगर हमको फातिमा को तहरीक के तौर पर समझना हो, मैंने आपके सामने क्या अर्ज किया कि तहरीक के लिए दो चीज होनी चाहिए, या तो रूहानी राबता या तो खूनी राबता। जब तक के ये दो राबते नहीं होंगे उस वक्त तक, या तो कोई अपने मां के मिशन को आगे बढ़ाएगा, इसलिए उसको अपनी मां से खूनी रابطہ है, और या तो कोई
किसी से रूहानी तौर पर वाबस्ता है, उसको अपना मीरे कारवां समझता है, तो उसके मिशन को आगे बढ़ाएगा। सैयदा के मिशन की खसूसियत यह है कि रूहानी एतबार से भी जो लोग हैं वो भी सैयदा की औलाद है, खूनी एतबार से भी जो लोग हैं वो भी सैयदा की औलाद है। और इस राबते के इस्तेहकाम को सिद्दीक़ा ताहिरा ने वहां पेश किया है जहां कोई पेश नहीं करता है। इस रूहानी राबते को सिद्दीक़ा ताहिरा ने वहां पेश किया है जहां कोई पेश नहीं करता है। या सैयदा या नस्ले सैयदा, इसके अलावा कोई, हर आदमी को मरना है, हर आदमी की वसीयत का वक्त आता है, वसीयत में वो क्या, अगर दीनदार है तो दीनी वसीयत करता है, बेदीन है तो बेदीनी वसीयत करता है, हाँ इसके अलावा और। लेकिन जहां भी वसीयत आती है उसका मेहवर अपने बच्चे होते हैं, इनका ख्याल, उनका ख्याल, उनका ख्याल, उनका ख्याल, सब कुछ नहीं। सैयदा वो माँ है जिसने तहरीक के लिए हमको अपने आप को बेटा समझना होगा। अभी तक हम में बुनुव्वत का जज्बा नहीं जागा है। जब हम में बुनुव्वत का जज्बा जागेगा, बेटे होने का जज्बा जागेगा, औलाद होने का जज्बा जागेगा, तब सैयदा के मिशन को तहरीक की सूरत में हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने ये वक्त नहीं, मेरे बाद मैं अर्ज करूं आपके सामने कि अगर बेटा साले होता है तो बाप की एक बात को जो वसीयत नहीं होती है उसको भी पकड़ लेता, मेरे अब्बा ने यह कहा था इसलिए हमको इसे करना है, वसीयत नहीं थी लेकिन करना है, ख्वाहिश थी। क्यों? इसलिए कि राबता खूनी राबता है, लेकिन दिल में जो हलचल मचती है उसी का नाम तहरीक हो जाता है आगे बढ़ाने के लिए मिशन। सैयदा ने इसी हलचल के लिए वो आखिरी कलमा जो है, आखिरी रुका वसीयत की सूरत में जो अमीरुल मोमिनीन ने देखा, उसमें सब कुछ के बाद क्या है, या अली कयामत तक आने वाली मेरी औलाद तक मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा। ये यहां से सैयदा ने फातिमी तहरीक का आगाज किया कि मेरा सलाम कयामत तक। सैयद शुबर की शरे जामिया उठाकर देख लीजिए आप, सैयदा के दो किस्म के बच्चे हैं, सैयदा की दो किस्म की औलाद है, एक वो है जो खूनी रिश्ते से है, एक जिसका रूहानी राबता है। दोनों जिम्मेदार हैं तहरीके फातिमी को आगे बढ़ाने के लिए, और तहरीके फातिमी के मेहवर का नाम है मजलिस आज़ा। तहरीके फातिमी की बुनियादों का नाम है मजलिस आज़ा, मजलिस करके सो जाने का नाम नहीं है तहरीके फातिमी। मजलिस तहरीके फातिमी की आजादारी, खुतबा का एक के बाद दो, दो के बाद दस खुतबा का पै दर पै पढ़ते रहना, ये तहरीके फातिमी का बुनियादी उनसुर है, लाजमी उनसुर है, काफी उनसुर नहीं है। शर्त लाजिम है कि अजाए फातिमिया में ज्यादा से ज्यादा मजलिसें की जाएं, घर घर मजलिसें की जाएं, मस्जिद मस्जिद मजलिसें की जाएं। हरम में होता है कि भाई हम तो आए थे, देखा था राम, हरम में क्या हुआ था, हर घर में हो रही थी मजलिस, घर पर दस लोगों के साथ बैठ के
घर की बरकत के लिए। और फिर जब मुसलसल मजलिसें हो रही हैं तो इसी इन्हीं मजलिसों को अपनी मजलिस समझते हुए, एक बात ये कि हर घर में अलग अलग हो रही है, एक वक्त ये कि एक सेंटर में मुसलसल हो रही हैं, तो एक वक्त की मजलिस वो ले ले, एक वक्त की मजलिस वो ले ले, एक वक्त की मजलिस वो ले लेंगे, इस वक्त की मजलिस मेरी तरफ से, उस तरफ की मजलिस मेरी तरफ से, ये एक हिस्सा है तहरीक को आगे बढ़ाने का, ये तरीका है तहरीक को आगे बढ़ाने का। लेकिन ये मजलिस शर्त लाजिम है तहरीक फातिमी की, शर्त काफी नहीं है। मैं जब भी आया मैंने यह अर्ज किया कि तीन जमादी उस सानिया तीन या तीन जमादी उल आखरा को ऐसा काम कीजिए कि गैर भी आए और खड़े होकर देखे कि नबी की बेटी के गम में हम मुब्तला हैं। कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको, चाहे हेल्थ कैंप रखिए, चाहे क्विज रखिए, चाहे पहले से रखिए इनामी मुकाबला, कुछ कीजिए। जब तक ये न कीजिएगा, सिर्फ मजलिस में शिरकत करके जो है वो जाके आराम करने लगिएगा, तो ये हक फातिमी अदा नहीं होगा, तहरीक फातिमी का हक अदा नहीं होगा। अगर आपको यकीन है कि सैयदा का हक लूटा गया है, मजलूमा को सताया गया है, मजलूमा को रुलाया गया है, तो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को वैसा बनाना होगा, लिबास को तब्दील करके, मेल जोल को तब्दील करके, रात्ते को तब्दील करके, घर पर स्याह परचम लगा के, घर पर एक छोटा सा निशान लगा के, घर पर एक तहरीर लगा के कि हम फातिम नबी की बेटी की आजादार हैं। अब तक ये सब काम नहीं होगा, हम आए मजलिस में और आप पढ़े, हम चले जाए, बात ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फातिमिया जहरा सलामुल्लाह अलैहा की आजादारी को तहरीक बनाने की जरूरत, मुख्त जो हो सकता है नयापन दौरे हाजिर के एतबार से मजलिस को बुनियाद बना के उन सारी चीजों को, बच्चों में इनामी मुकाबला, बच्चों में रंग भरने का काम, पेंटिंग, ये सारी चीजें, ताकि खाका रहे खाके में रंग भरे बच्चे, ताकि उससे उनकी फिक्र खुले, उससे बाद उससे इनाम दिया जाए, किताबों का मुतालिया, उससे इनामी मुकाबला, हेल्थ कैंप, ताकि 10 आए तो उनको हम सुनाएं कि फातिमा जहरा को चूंकि सताया गया था, उनकी मजलूमियत को आम करने के लिए आज हम मजलूमों को मुफ्त दवा दे रहे हैं, मुफ्त इलाज करा रहे हैं, ताकि कायनात तक ये खबर पहुंचती रहे। और इसके लिए किसी से लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है, इसके लिए एक तो ये हमको सबसे पहले खत्म करना होगा, हम लोग अपने आप को महदूद करने वाले हैं, हम लोग अपना दायरा जीख करने वाले हैं, ऐसे हम जिसको मानते हैं वो है वसी, हमारे यहां तजाद पाया जाता, खुला तजाद पाया जाता, खुला तजाद, जो जरा सा समझ बूझ रखता होगा वो समझ लेगा कि हमें तजाद पाएंगे। आप किसके मानने वाले हैं, आप किसके इंतजार में, इमाम जमाना के, इमाम जमाना आएंगे तो क्या करेंगे, शियों को बचा लेंगे, शियों के बैंक बैलेंस में इजाफा हो जाएगा, शियों के 10-12-20 घर हो जाएंगे, आएंगे इमाम जमाना करेंगे, क्या करेंगे फिर आन के इमाम जमाना, यमलउल अर्दा किस्तम व अदला कमा मुलयत जुल्मन व जौरा, वो सब देखें आप, पूरी जमीन की गुफ्तगु है, जमीन में कौन कौन बसता है, कोई खास मजहब का बसता है जमीन में, शिया बसते हैं फकत जमीन में, जो इमाम जमाना के इंतजार में है उसकी फिक्र अगर महदूद है तो वो इंतजार नहीं कर रहा, वो अगर सिर्फ शियों के बारे में सोचता है, वो शियों को सिर्फ अपनी बात सुनाता है समझाता है, तो वो नहीं,
वो शियों को भी समझाए, वो सुन्नियों को भी समझाए, वो दुनिया के तमाम लोगों को सिद्दीकैन तहरा से आशना करे हर जिहत से। अदाए फातिमिया फकत शियों को मनाना है, अदाए फातिमिया में फकत शियों को मातम करना है। अगर फकत शियों को मातम करना है तो रसूलुल्लाह फकत शियों के हैं। अदाए फातिमिया हर उस शख्स पर वाजिब है। तीन जमादिउल आखरा सरबर रहना पाबर रहना होना हर उस शख्स पर वाजिब है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह कहता है। ये तो मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, आपने कहा वाह वाह वाह, कि जब तक के साबित ना हो उस वक्त तक मामला हल नहीं है। बोलने को तो हम कुछ भी बोल दें, लाम का ये साबित होना है। तो ये कैसे साबित होगा? उदो इला सबील रब्बिक, यहां से चलना है, रब की तरफ बुलाना है तो कैसे बुलाना है? तीन रास्ते हैं, चूंकि तीन किस्म के लोग हैं इसलिए तीन किस्म का रास्ता है। कुछ लोग होते हैं जो जीशूर होते हैं, अकलमंद होते हैं, तो उनसे कोई बहसो मुबाहसा जबरदस्ती की बात करने की जरूरत, उनके सामने मसला पेश कर दीजिए, वो खुद ही समझ जाएंगे, उसमें कोई कैद नहीं है। कि उनको खुदा की तरफ बुलाना है तो कैसे बुलाना है? उदो बुलाओ रब के रास्ते की तरफ, कैसे बुलाओ? बिल हिकमा, अकलानियत के साथ बुलाओ, अक्ल की गुफ्तगू के साथ बुलाओ, खुद ब खुद समझ। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास अक्ल नहीं है, उनको नसीहत कर दो तो नसीहत के लिए भी खबर रहे, हर किस्म की नसीहत कारसाज नहीं होती है। दौरे हाजिर में किसी बच्चे को आप बताइए कि तुम्हारे लिए जहर से ज्यादा जो है वो ये मोबाइल है खतरनाक, तो मानेगा? जो आप कह रहे हैं वो गलत है, 100% सही कह रहे हैं, लेकिन कोई मान ले। दो दो बजे रात तक बच्चा नेट पर कयामत मचाए रहता है, तो सिस्टम, फैमिली सिस्टम बिगड़ा है, वो ऐसे बिगड़ा है। पहले लोग बैठते थे तो बैठते थे, अब सब बैठते हैं लेकिन कोई बैठा नहीं रहता है, सब दूसरी जगह मशगूल रहते हैं, एक जगह बैठे हैं सब, अब्बा किसी से, अम्मा किसी से, बेटा किसी से, बेटी किसी से, बीच में जो वास्ता है फैज है वो वाईफाई है, सब उसी से, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से, ये वो गेम, ये सेम, ये फला, ये फला, ये फला, सिलसिला टूट बर्बाद। ये किसी को समझा दीजिए कि ये तुम जो कर रहे हो ये जहर है, जहर ये नसीहत है, मौजा है, कोई नहीं समझेगा, सुन लेगा, मजलिस में बैठे हैं, सुन लिया आपने, जाएंगे फिर वही होगा। ये मौजा कारसाज नहीं है, इसलिए ये तो आप कह नहीं सकते घर से वाईफाई निकाल दो, ये तो आप कह नहीं सकते कि इंटरनेट खत्म कर दो, छोटा डिब्बे वाला फोन रख लो। वो कहेगा तो आप हमको जाहिल रखेंगे, हम तो अब स्कूल ऑनलाइन चल रहा है, क्या जवाब है आपके पास? हम तो पढ़ने के लिए नेट रखे हैं मौलाना साहब। अब बोलिए जवाब क्या आपके पास? पेपरलेस दुनिया, अब सब कुछ ऑनलाइन, तो अब आप जवाब दीजिए। अब्बा दीजिए, होमवर्क आया है, होमवर्क करना है, होमवर्क कितना हुआ वो तो कल पता चलेगा, नेट आधे से ज्यादा खत्म हो गया। आप समझाइए कि ये तो ये आप नसीहत कीजिए, मौजा कीजिए, अब कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा मौजे हसना में कि ये अगर इस्तेमाल करे भी तो दुश्मन के नुकसान में हो, दुश्मन के फायदे में ना हो, तब आप कामयाब हैं। इसे कहते हैं मौजे हसना, कि बच्चे की तरबियत में ये जो कल्चर वार है, ये जो सॉफ्ट वार है, ये जो जंगे नर्म है असलहे से ज्यादा संगीन, बच्चों को बर्बाद करने के लिए बच्चों की कुछ ऐसी तरबियत कीजिए कि जिसमें बच्चा अगर इस्तेमाल करे तो नुकसान हो उसको बनाने वाले को भी, कि वह मजबूर हो जाए आपके अकाउंट को बंद करने पर ताकि उसको नुकसान हो आपको फायदा हो। एक सलावत लीजिए मोहम्मद।
तो हर किस्म का मौइज़ा नहीं, मौइज़ा हसना चाहिए कि जिससे दिल नर्म हो। उसके बाद जो तीसरे किस्म के लोग हैं वो है हट्टी जिद्दी, अपने अलावा किसी को सही मानते ही नहीं, उनके अलावा सब काफिर, तो उनको कैसे समझाइएगा? तो उनको आपको समझाना है, उनको कुछ आप कह दीजिए कुछ मांगेंगे नहीं, तो उनको समझाने के लिए उनकी बात पहले माननी पड़ेगी, पहले उनके साथ ममाशात करना होगा। बढ़िया आगे उनसे, अच्छा आप ही सही कह रहे हैं। जब वो जिसको सही मानता है उसी सही से उसको सही सही निकाल के दिखाइए, जिसको वो सही मानता है, जिस पर वो यकीन रखता है, उसी नाम ने आज सही से कुछ सही निकाल के दिखाइए और फिर बताइए कि ये है हकीकत। आगे बढ़िए, उसकी बात मानिए, फिर उसी की बात मान के उसके सामने दलील पेश कीजिए। इसका नाम है जदाले अहसन। हट्टी जिद्दी से आप आस्तीने पलट के बात नहीं कर सकते, यह दीन का तरीका नहीं है। हट्टी जिद्दी से आप मुंह बना के बात नहीं कर सकते, तुम काफिर हो, तुम कुछ नहीं जानते, नहीं, तुम भी हो रसूलुल्लाह की रविश, आ जाओ बैठते हैं बात करते हैं, या हम सही होंगे या तुम सही होगे। पहले ही से आप कहते हम ही सही हो तुम गलत हो तो कोई नहीं आएगा। आ जाओ एक कलमे के नीचे, हम भी अल्लाह को एक मानते हैं, तुम भी अल्लाह को, यहां से शुरू कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो अगर हमें यह साबित करना है कि फातिमिया की आजादारी फकत शियों से मखसूस नहीं है, तो फिर हमें किताबों अहले बैत किताबों इतरत की मंतिक पर बात नहीं करनी होगी कि किताब के सिलसिले में अहले बैत का क्या नजरिया है, हमको किताबों सुन्नत की मंतिक पर बात करनी होगी, वो भी ऐसी सुन्नत जो मुत्तफक हो, ऐसी सुन्नत जिसको सामने वाला इनकार कर ना सके, चाहे फखरे राजी जैसा कब्र से सर उठाए, चाहे जमखशरी जैसा कब्र से सर उठाए, चाहे जहबी जैसा कब्र से सर उठाए, चाहे इब्ने असीर जैसा साहेब अन्नहाया कब्र से सर उठाए, किसी के पास जवाब ना हो ऐसी दलील का, वो कुरान और सुन्नत हो, तब जाकर बात सामने आएगी। खुब कुरान क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, माताकुम रसूल फखुजू हो वमा नहाकुम अनहो फंतहू। रसूल जो दे उसे अक्स कर लो, ले लो, रसूल जिससे रोके उससे रुक जाओ, कुरान है, इस पर किसी को एतराज नहीं है। रसूल जो दे वो ले लो, ये जो इत्तेखाज है, ये जो लेना है, वो कैसे होता है, कैसे पता चले कि हमने रसूल से लिया है? तो रसूल से जो हमको लेना है, पहला मरहला इत्तेखाज का है, जो दिया है उसको समझना, जो रसूल ने दिया है उसको समझा जाए, और जब समझ लें तो उस पर अमल किया जाए। तो अब यह सवाल पैदा होगा कि दिया क्या रसूलुल्लाह ने जिसको सब मानते हैं, दिया क्या रसूलुल्लाह ने जिसको सब मानते हैं, और सबको मानना पड़ेगा, कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर कुरान और इतरत की मंतिक पर बात होगी तो सब नहीं मानेंगे, अगर कुरान और सुन्नत की मंतिक पर बात होगी तो सब मानेंगे। तो रसूल ने तो बहुत कुछ दिया, उसमें से एक क्या दिया, फातिमतो शिजनतुन मिन्नी,
Yapsotoni ma yapsotoha. Wa yakbedoni ma yakbedoha. ये पहली हदीस है जिसमें कलमाए कब्जो बस्त इस्तेमाल हुआ है, वरना कहीं गजब इस्तेमाल हुआ है, कहीं अजियत इस्तेमाल हुआ है, कहीं सुरूर इस्तेमाल हुआ है। इस हदीस में कब्जो बस्त इस्तेमाल हुआ है। इन बिसात खातिर, चेहरे का खिलना, इन बिसात चेहरे का पजमुर्दा होना, कब्ज, इसे कहते हैं कब्जो बस्त। फातिमा जिस चीज से मुंबसित, इन बिसात खातिर जिस चीज से फातिमा का चेहरा खिल उठता है, उसे मुस्तफा का चेहरा खिल उठता है। जिससे फातिमा का चेहरा पजमुर्दा हो जाता है, उससे मुस्तफा पजमुर्दा हो जाते हैं। इनकबाजी कैफियत मुस्तफा में कब, क्यों? इसलिए कि फातिमा तो शिजनतुन मिन्नी, फातिमा मेरी शाख है। ये हदीस दीगर तमाम हदीस के शुबहात को बरतरफ करने वाली है। ये रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? देखिए, अरबी में शाख के लिए गुस्ल इस्तेमाल होता है, जिसकी जमा अगसान, गुस्ल, शाख। रसूलुल्लाह ने फातिमा तो गुस्लुन मिन्नी नहीं कहा है, फातिमा मेरी शाख है। फातिमा तो शिजनतुन मिन्नी, यहां सबसे पहले गुस्न और शिजन का फर्क समझना होगा, तब फातिमा तो बजतुम मिन्नी का फलसफा समझ में आएगा। फातिमा तो बजतुम मिन्नी में क्या है? फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा, मेरे वजूद का हिस्सा है। मेरा हाथ काट दीजिए तो हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मुझे निकाल दीजिए, मेरे हाथ को काट दीजिए, मेरे जिस्म का जुज है ना, तो लोग मुराद रजा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे, कहेंगे कि नाकिस है, लेकिन है तो मुराद रजा, हम बाकी रहेंगे जुज। कुल और जुज में अगर जुदाई हो तो कुल बाकी रह सकता है, ये इतराज है, ये इतराज है। रसूलुल्लाह की जुज है, ठीक है, लेकिन फातिमा को अगर अलग कर दिया जाए तो ऐसा नहीं कि रसूलुल्लाह खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल नाबूद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अलबत्ता खुद इस हदीस में इशारे मौजूद हैं जो बताते हैं, इसलिए कि जुज जुज की भी किस्में होती हैं, नमाज के अज्जा है, कुछ अज्जा उसमें रुकन है, कुछ अज्जा उसमें गैर रुकन है, ये नहीं है, है। क्या फर्क है दोनों में? सूरा भूल गए, रुकू में चले गए, रुकू में जाने के बाद याद आया कि कुल हुवल्लाह नहीं पढ़ाता, नमाज है या बातिल? जुज छूटा लेकिन नमाज सही है, लेकिन रुकू भूल गए तो अब नमाज बातिल। क्यों? इसलिए कि रुकू रुकन नमाज है। तो जुज की भी दो किस्में हैं, ऐसा नहीं है, इस हदीस में इशारे मौजूद हैं। लेकिन अगर किसी को इशारे नहीं समझ में आते हैं तो ये हदीस दीगर हदीसों के शुबहात को बरतरफ करने वाली है। शिजन शाख को कहते हैं, लेकिन ऐसी शाख जिसने जड़ में अपना रास्ता बना लिया है, शिजन शाख है, गुस्ल
हर दरख्त की तराश खराश होती है ताकि वो और लहलहा उठे। कितनी शाखें काटी जाती हैं, उससे दरख्त पर कोई असर पड़ता है? बल्कि और बढ़ जाता है और दरख्त में कमाल पैदा होता है। पस गुस्न शाख को कहते हैं, शाख कटती है तो दरख्त का नुकसान नहीं होता। पैगंबर अकरम ने सिद्दीका ताहिरा को अपने वजूद का गुस्न नहीं कहा है। उर्दू में सभी शाख है, उर्दू की मजबूरी है। पैगंबर अकरम ने, आप उठाकर शिजन की लुगत देख लीजिए लुगत की किताबों में, शिजन उस शाख को कहते हैं जो जड़ों में अपना रास्ता बना लेती है, यानी देखने में होती है वो शाख लेकिन जड़ में ऐसा अपना राबता मुस्तहकम कर लेती है कि शाख कटेगी तो जड़ सूख जाएगी। फातिमा तो शिजन तुम मिन्नी, फातिमा है तो मेरी शाख लेकिन ऐसी शाख है जिससे दरख्ते मुस्तफा में उसने रास्ता बना लिया है। ऐसी शाख है जिसने मुस्तफा की जड़ में अपने आप को पैवस कर लिया है कि अगर फातिमा को मुस्तफा से जुदा किया तो मुस्तफा की असल सूख जाएगी। मुस्तफा की असल सूख जाएगी। फातिमा तो शिजना तुम मिन्नी। तो इस हदीस में रसूल खुदा ने अपने आप को दरख्त से ताबीर किया है, शजर से ताबीर किया है और फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा को दरख्त की ऐसी शाख से मंसूब किया है जो जड़ में अपनी जगह बना चुकी है। तो अब कोई भी दरख्त हो, अगर उस दरख्त में फल ना हो, दरख्त बेकार है। दरख्त में फल नहीं तो दरख्त क्या? तो हर दरख्त वही बाकमाल है जिसमें फल पाया जाता हो। अगर फल है तो कामयाब है, अगर नहीं है तो नाकाम है। अगर मुस्तफा दरख्त है तो इस दरख्त का फल क्या है? कौन सा फल है इस दरख्त का? शाख तो फातिमा है, फल क्या है? हर चीज का फल उसकी मुनासिबत से होता है। सेब के दरख्त में अमरूद नहीं फलता, अमरूद के दरख्त में संतरा नहीं फलता। हर दरख्त की मुनासिबत से उसका फल होता है। मुस्तफा उस दरख्त वजूद का नाम है, उस शजरे वजूद का नाम है जिसके शजरे वजूद से सारी इंसानियत फैजियाब हो रही है। तो उसका फल किसी खास तारीख मौसमी नहीं होता। कुछ फल मौसमी होते हैं, कुछ फल सदा बहार होते हैं। मुस्तफा उस दरख्त वजूद का नाम है कि जो मौसमी नहीं है, जो साल दो साल जिसका फल नहीं आता है। जब से मुस्तफा का वजूद है और जब तक कयामत नहीं आएगी उस वक्त तक दरख्त मुस्तफा से फल आता रहेगा। बस शर्त यह है कि कोई दरख्त हिलाने वाला हो, कोई दरख्त के पास जाने वाला हो। जब खुदा मरियम को बगैर हिलाए नहीं देता है दरख्त, खुदा जब मरियम से कहता है हुज्जी, ए मरियम इस दरख्त को हिलाओ, तो फिर खुरमा ताजा ताजा गिरेगा, ये ना देखो कैसी सूरत में है। तो जब मरियम जैसी जात को दरख्त की बारगाह में जाकर हिलाना पड़ेगा दरख्त तब गिरेगा। तो हमा शुमा मुस्तफा की बारगाह में जाए बगैर अगर फल चाहेगा तो उसे फल नसीब नहीं होगा। सलामत भेजिए मोहम्मद। तो इस दरख्त का फल क्या है? एक बात से दूसरी बात खुद ही पैदा हो जाती है। हम जब बोल रहे हैं तो खुद ही आपके जहन में सवाल हो गया, फल फल तो समझ में आ गया, फल है क्या?
फल वो है जो खुलासा वजूद है। इस दरख्त के फल के में इल्म है, इरफान है, अखलाक है। मुस्तफा ने को अल्लाह ने दो ऐसी चीज दी है कि जो किसी को नहीं दी। हम अशुमा क्या जाने, ये हराम खाने वाले क्या जाने, ये नजिस आगोश तरबियत में पलने वाले क्या जाने, ये नजिस लोगों के चबाए हुए उगले हुए लुकमे को निगल के दोबारा कह करने वाले क्या जाने कि मुस्तफा का अखलाक क्या है। मुस्तफा के चरित्र को समझने के लिए कोई खालिस बदअखलाक क्या समझेगा कि मुस्तफा के अखलाक क्या है। मुस्तफा के अखलाक को समझने के लिए रूह की पाकीजगी चाहिए। हराम खाका के जिसकी रूह नजीस हो गई है, जो इतना बेगैरत है कि अपनी मां बाप का नाम बदल दे, वो मुस्तफा के अखलाक को क्या बयान करेगा। मुस्तफा को अल्लाह ने दो ऐसी चीजें दी कि किसी को नहीं दिया, और दे के कहा कि बहुत बाअजमत चीज दी है तुमको। रखते मुस्तफा का फल दो चीज है, एक इल्म, दूसरे अखलाक, और दोनों को दे के खुदा ने कहा कि तुमको अजीम चीज दी है। इंसान सारी खिलकत का खुलासा है। अगर इंसान कामयाब होता है तो सारी खिलकत कामयाब होगी, और अगर इंसान अकीम रह जाता है, बांझ रह जाता है, तो सारी खिलकत नाकाम रह जाएगी। इसलिए कि सारी खिलकत इंसान के लिए है और इंसान खुदा के लिए है। सारी खिलकत खादिम है, खिदमत में है इंसान की, इसलिए इस इंसान को कामिल होना है। जब इंसान कामिल होगा तब खिलकत पुरसमर होगी, और जब इंसान कामिल अपने फल को दिखाएगा, इंसान कामिल का फल दो चीज में होता ही है, एक इल्म, दूसरे कुदरत, इसके अलावा तीसरी कोई चीज ही नहीं है। इल्म, खुदा बंदे आलम पैगंबर अकरम को इल्म देकर कह रहे अल्लामा का, सलावत भेजिए मोहम्मद। अल्लामा का मालम तकुन तालम वकाना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, आपको वो इल्म अता किया है कि अगर कोई चाहे वो इल्म हासिल करना अपनी ताकत से मिल ही नहीं सकता। वकाना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, सूरह नसा की आयत नंबर 113। और ये जो इल्म आपको अदा किया है ये अल्लाह का फजल अजीम है। यह इल्म पहला फल, दूसरा इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, अल्लाह ने आपको खुलक अजीम पर फायज किया है। अब इस पर वक्त नहीं है कि वजाहत पेश की जाए कि खुलक अजीम पर फायज होने का मतलब क्या होता है। हम भी बाखलाक हैं, आप भी बाखलाक हैं, मुस्तफा भी बाखलाक हैं, फर्क क्या है, फर्क क्या है, अखलाक कहां से आता है, क्या होता है, एक पूरी बहस है, नहीं छेड़ सकते। 50 मिनट तकरीबन हम पढ़ चुके। एक सलावत भेजिए मेरे मोहम्मद वाले। तो खुल्क अज़ीम के मालिक का नाम है पैगंबर अकरम, किसको अजीम कहा है, दुनिया जानते हैं क्या है,
किसी को आज तक समझ में नहीं आई। अगर समझ में आ जाती तो ये कोरोना बाबा ही खत्म हो जाती है। इतना कमजोर है इंसान कि अपनी ईजाद करदा वबा की अभी तक दवा तलाश नहीं कर सका है। इससे ज्यादा जाहिल इंसान देखा आपने? अच्छा यहां नहीं तलाश कर सका, चलिए ये जहाने सेवों में, वो जो सबसे बड़े तुर्रम खान थे हम दवा बनाते हैं, वो सबसे ज्यादा मुबतला है, अपनी वबा में खुद गिरफ्तार है, ये जाहिल है। मतलब ये है कि पूरी जो तिब्बी सिस्टम पर नाज था सब खत्म हो गया। बाद में भले पता चले कि जानबूझ के कर रहे थे, लेकिन अभी तो जाहिल नहीं है, हम अभी की बात कर रहे हैं। बाद में पता चलेगा, तारीख लिखेगी कि ये सब जानबूझ के किया था, लिखेगी, कौन देखेगा उसको, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कायनात जिसमें इतनी सारी चीजें हैं, न जिसका तूल मालूम, न जिसका अरज मालूम, न जिसकी चौड़ाई मालूम, न जिसकी गहराई मालूम, कुछ नहीं, कि जितनी बातें हो रही, साइंस का काम क्या है? साइंस अच्छी चीज है, साइंस अच्छी चीज भी है, साइंस बुरी चीज भी है। जब साइंस को खुदा समझ लीजिए तो उससे बदतर कुछ नहीं, जब साइंस को खुदा तक पहुंचने का जरिया समझ लीजिए तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं। समझ रहे बात? साइंस को अगर खुदा तक पहुंचने का जरिया समझ लीजिए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मसला यह है कि साइंस को खुदा जब समझ लिया तो नतीजा यही होता है, लो अब साइंस खुदा समझो, दवा ही नहीं मिलेगी, ये लगा लीजिए तो फायदा हो जाएगा, वो लगा लीजिए तो फायदा हो जाएगा, अब मास्क लगा लीजिए तो फायदा हो जाइएगा, और घर में बैठ जाइए तो फायदा हो जाएगा, भूख मर जाइए तो फायदा हो जाएगा, किसी से फायदा नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि साइंस पर नाश था, खुदा पर दबाव नहीं था। खुदा ने अपने नबी को दो चीजें दी तो उस उन दो चीजों को अजीम कहा, और ये दुनिया जिसको सारी दुनिया बहुत कुछ समझ रही है उसको कुरान कहता है कुल मताउ दुनिया। अब मता का तो हम तर्जुमा ही नहीं कर सकते, मिंबर का अदब माने, निजासत पोछने का जो कोहना कपड़ा होता है उसको अरबी में मता कहते हैं। अब इससे ज्यादा हम कोई तर्जमा मर्जमा नहीं कर सकते। ये दुनिया अल्लाह की निगाह में, ये इतनी बड़ी दुनिया जिसका कुछ नहीं मालूम, जिसकी एक कहकशां नहीं मालूम, कितने उसमें, कुछ नहीं मालूम किसी को, ना जो मालूम है ऊपर ऊपर की चीजें मालूम है, बिल्कुल ऊपर ऊपर की चीजें मालूम है, गहराई में कुछ नहीं मालूम है। वो अजीम दुनिया उसको खुदा कह रहा है कलील, लेकिन जब अपने नबी को इल्म व अखलाक दे रहा है तो उसको कह रहा है कि इल्म भी अजीम दिया, अखलाक भी अजीम दिया, तो अब नतीजा क्या निकला इतनी देर की गुफ्तगू का? अब नतीजा ये निकला कि अक्ल कुल, कुल अक्ल, इल्म कुल, कुल इल्म, इरफान कुल, कुल इरफान का नाम मुस्तफा है, सारी खिलकत का इल्म मुस्तफा, सारी खिलकत और खिलकत से माकबल आलम अमर, ये सब कुछ मुस्तफा के इल्म में, सारी खिलकत के अखलाकियात मॉरल वैल्यूज, कौन जाने मुस्तफा के अखलाकियात क्या है, ये तारीख क्यों उठाई गिरे थोड़ी समझेंगे कि मुस्तफा का चरित्र क्या है। खुदा जानता है मुस्तफा के अखलाकियात क्या है। तो इल्म कुल, कुल इल्म, अक्ल कुल, कुल अक्ल, इरफान कुल, कुल इरफान का नाम है मुस्तफा। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि मुस्तफा अगर
एक बार मुस्कुरा दे तो बयक वक्त मुस्तफा की मुस्कुराहट से 1,23,999 अंबिया मुस्कुराते हैं। अगर मुस्तफा मुस्कुरा दे तो आलम नासूस से आलम मलकूत तक, आलम मलकूत से आलम जबरूत तक, आलम जबरूत से आलम लाहूत की हदों तक तमाम मखलूकात मुस्कुराती हैं। अगर मुस्तफा मुस्कुरा दे तो करूबियान मुस्कुराते हैं, अगर मुस्तफा मुस्कुरा दे तो जबरूतियान मुस्कुराते हैं, अगर मुस्तफा मुस्कुरा दे तो लौ मुस्कुराती है, अगर मुस्तफा मुस्कुरा दे तो कलम मुस्कुराता है, अगर मुस्तफा मुस्कुरा दे तो अर्श आजम मुस्कुराता है, अगर मुस्तफा मुस्कुरा दे तो हमले अर्श मुस्कुराते हैं, हमले लौ मुस्कुराते हैं, हमले कुर्सी मुस्कुराते हैं। सलावत दीजिए, बरवाद मानो मुस्कुरा दे तो मां से वल्ला जो कुछ भी है वह मुस्कुराएगा, वह मुंबसित खातिर होगा, उसका चेहरा खिल उठेगा। क्यों? इसलिए कि रूह है वजूद का नाम है मुस्तफा, गुलाब है वजूद का नाम है मुस्तफा, इत्र है वजूद का नाम है मुस्तफा, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर के मिज़दाक का नाम है मुस्तफा, कोई नहीं है मुस्तफा के अलावा। मुस्तरा मुस्तफा का चेहरा खिला तो सारी खिलकत मुस्कुराएगी, सारी खिलकत में इंबसात खातिर पैदा होगा। अब इसको पलटिए, अगर मुस्तफा के दिल से एक आह निकले, ए जमखशरी, ए फख्र राजी, ए इब्ने असीर, ए इमाम बुखारी, ए मोहम्मद इब्ने मुस्लिम नेशापुरी, ए इमाम बेहकी, ए इमाम अहमद हंबल, ए इमाम अबू हनीफा, ए इमाम मालिक, ए इमाम शाफई, ए मुफस्सरीन, ए मुहद्दिसीन, ए मुहक्किकीन, ए मुअर्रखीन, आगे फैसला करो। मुस्तफा मुस्कुराए, मुस्तफा का चेहरा खिले तो मासेवल्ला हर एक के यहां इंबसाते खातिर अपने वजूद की हैसियत से, और अगर मुस्तफा का चेहरा कुम्हला जाए, मुस्तफा के दिल से एक आह निकले तो मतलब क्या है? मासेवल्ला हर एक पजमुर्दा होगा, हर एक का चेहरा कुमलाएगा। तो अब अगर यहां तक बात साबित हो गई है, फखरे राजी समेत तमाम फलसफियों के लिए, इमाम बुखारी समेत तमाम मुफस्सरीन के लिए, जमखशरी समेत तमाम मुफस्सरीन के लिए, यह अगर बात साबित हो गई है और यह हदीस वो है जो सुन्नत में मौजूद है, इतरत की बहस नहीं है, तो अब पैगंबर फरमा रहे हैं, फातिमा तो शिजनतुम मिन्नी यबसुतुनी मा यबसुतुहा व यकबिदुनी मा यबसुतुहा, फातिमा मेरी वो शाख है जिससे मेरी जड़ वाबस्ता है। यानी अगर पैगंबर इल्मे कुल है तो फातिमा इल्मे कुल, अगर पैगंबर अकले कुल है तो फातिमा अकले कुल, अगर पैगंबर इरफाने कुल है तो फातिमा इरफाने कुल, अगर पैगंबर कुल्ले इल्म है तो फातिमा कुल्ले इल्म, अगर पैगंबर कुल्ले अक्ल है तो फातिमा कुल्ले अक्ल, अगर पैगंबर कुल्ले इरफान है तो फातिमा कुल्ले इरफान, और अगर फातिमा मुस्कुरा दे तो तमाम आलम खिलकत मुस्कुराएगा, और अगर फातिमा के दिल से एक तीस उभरे तो हर एक को रोना वाजिब है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, उस पर वाजिब है कि फातिमा के गम में अजादार ने एक सलावत भेजिए मोहम्मद। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ला इलाहा इल्लल्लाह में शक करो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुहम्मद रसूलुल्लाह को शक करो। इसलिए कि ये हदीस तबरानी ने लिखी है, यह हदीस ज़हबी ने लिखी है। फातिमा अगर आह खींच ले और फातिमा अगर सर पीट ले,
اور فاطمہ اگر اپنی مصیبت کا رونا سبت علیہ مصائب ان کے ذریعے سے کرے, سبت علیہ مصائب اللہ ونہا سبت علیہ مصرنا علیہ علیہ, اگر فاطمہ یہ کہیں تو دل مصطفیٰ سے کیسی ٹیس اٹھ رہی ہے. اگر فاطمہ اپنے سر پر رسول خدا کا کرتا رکھ کے قبر رسول پر آ جائے, اگر فاطمہ تابڑ توڑ قبضہ شمشیر کے حملے سے رسول خدا کو پکارے بابا, اور اگر اس کا کسی پر اثر نہ ہو تو اس کو اپنے اسلام کا دوبارہ مطالعہ کرنا چاہیے. اگر اب تک تمہارے لیے ثابت نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہے, نہیں جانتے تھے, لیکن آج سے اگر ثابت ہو گیا ہے تو اے زمخشری, اے بیضاوی, اے فخر رازی اور اے ان کے برابر کے افراد جو دور حاضر میں ہو, اپنے لوگوں کو سمجھاؤ کہ دنیا میں اگر مصطفیٰ کے نام پر جینا اور مرنا ہے تو فاطمہ کی عزاداری میں عزادار بنو. اگر علی گریبان چاک کرتے ہیں تو تم بھی گریبان چاک کرو. دنیا ہم سے پوچھتی ہے آپ کیوں روتے ہیں, آپ ہم سے پوچھتے ہیں کیوں روتے ہیں, ہم سے پوچھا جاتا ہے آپ بے چین کیوں اتنا, ہم کچھ نہ کہیں. امام صادق نے کہا فاطمہ کچھ نہ تھی ایک مسلمان عورت تو تھی, ہاں اس سے بھی انکار کر دو گے. اگر کسی مسلمان عورت کے ساتھ معمولی موسم لا الہ پڑھنے والی عورت اس کے ساتھ یہ ظلم کیا جائے تو انسانیت کا تقام, تو ابھی مسلمان کی بات نہیں کر رہے ہیں, فاطمہ پر جو ظلم ڈھایا گیا ایک مسلمان کے عنوان سے جواب دو گے کیا جواب ہے. نہیں مانو مسلمان بھی نہ مانو, مسلمان بھی نہ مانو, نہ مانو مسلمان, ہم تو بہت نیچے آ کے بات کرتے ہیں. بی بی معاف کیجیے گا, امام زمانہ معاف کیجیے گا, اس جسارت کو معاف کیجیے گا, لیکن نہ مانو مسلمان. دنیا کے ہر غیرت مند میں ایک رمق پائی جاتی ہے عورت کے مقابلے میں کنارے ہٹنے کی. دو مردوں میں جھگڑا ہو جائے اور بیچ میں گھر کی عورت نکل آئے تو کیا کہتا ہے, جو دبنگ ہوتا ہے, دبنگ گنڈا بدماش جس کو دیکھ کے سب ڈرتے ہیں اب اس پر, تو کیا کہتا ہے, آج تمہاری بیوی نے تم کو بچا لیا, اگر یہ نہ آئی ہوتی تو ہمیں بتاتے تمہارا آج بے غیرت ہے, غنڈا ہے, بدماش ہے, لیکن اس میں اتنی غیرت باقی ہے کہ ایک عورت آ گئی ہے تو اس کے سامنے پیچھے ہٹ جاتا ہے. یا اللہ فریاد ہے نبی کی بیٹی کو کیسے کمینوں سے مقابلہ تھا, کیسے لعین اور پست لوگوں سے مقابلہ تھا, وہ رسول خدا کی دعائی دے رہی تھی, اس میں نبی کے نواسے ہیں, ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں کے نبی سلام کیا کرتے تھے, آنے والا لعین اور پست کرا کچھ بھی ہوا کرے پہنے درو دیوار سیدہ پیر دی گئی. دو آزادار و سیدہ مرضیہ کا آج آج سیدہ رومال لے کے نہیں آئی ہیں,
आज चारदा मासूमीन, आज सैयदा रुमाल लेके नहीं खड़ी है, आज हसन मुजतबा रुमाल लेके खड़े हैं, आज हुसैन शहीद करबला रुमाल लेके खड़े हैं, आज अली मुर्तजा रुमाल, मैं अर्ज करूं आज इमाम ज़माना रुमाल लेके खड़े हैं, मेरी जद्दा माजदा की टूटी हुई पसलियों का पुरसा कौन देगा। कोई भी हो औरत को देख के पीछे हट जाता है, मान लो फर्ज कर लो अलियाज़ बिल्ला कि फातिमा मुसलमान भी नहीं थी, अरे फातिमा हामला तो थी, अरे वो गैरत कहाँ चली गई कि हामला औरत को बैले दरो दीवार पील दिया, और जब उसने अली का दामन पकड़ा कि मैं छोड़ूंगी नहीं, तो इतना ताबड़तोड़ हमला किया, कोई बचाने नहीं आया, बेटी ने जो किया बाबा मदद करो बाबा। बस ये पुरुषों का मकाम है दादा, इमाम ज़माना मुख्तलिफ वास्तों से ये बात साबित है। जब इमाम हुसैन की मुसीबत पर तुम्हें आंसू आ जाए, जब हमारी जद्द माजदा की मुसीबत पर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए, तो उस वक्त हमारे जहूर की दुआ जरूर कर। ए गरीब जहरा, आप कहां हैं हमें नहीं मालूम, जहां भी आप रहें, लेकिन आप उस अली के फर्जंद हैं जो अपनी रूहानी कुव्वत से एक वक्त में 40 जगह मौजूद रहता है। ए आका, एक निगाह करम इन अजादारों पर भी हो जाए, ए वाले जमाना एक निगाह करम ए अल्लाह। बस जैसे सैयदा ने पुकारा था, मुसीबतों में पुकारो इमाम ज़माने को, ये सैयदा का बताया हुआ दर्ज है कि जब मुसीबत पड़े, कयामत की मुसीबत, सबसे बड़ी मुसीबत सैयदा के लिए क्या है, पीसी गई। पीसने के लिए जो कलमा इस्तेमाल होता है अरबी में, वो आसर, आप जाए अरबी दुनिया में तो वहां जो जूस की दुकान होती है उस पर लिखा रहता है असीर, मक्तल का जो जुमला है वो यही आसारू हा, जैसे किसी कपड़े को निचोड़ दिया जाता है वैसे फातिमा को पीस दिया गया। और इससे बड़ी तो कोई मुसीबत हो ही नहीं सकती है कि भैया कोई पसली टूटी है, कील सीने में पैवस्त हुई, ये आपने सुन लिया, आपके ऊपर असर नहीं हुआ, या 75 दिन की रिवायत या 95 दिन की रिवायत। जनाब सैयदा की शहादत हुई, मैं कहता हूं गलत, जब तक सैयदा जिंदा रही तब तक सैयदा रोजाना किस्तों में मरती रही। कैसे, कभी फांस चुभी आपको, फांस उंगली में फांस, कभी जब तक कि वो निकल ना जाए उसकी टीस, खांसी अल्लाह ना करे इस बला के दौर में, वबा के दौर में किसी को खांसी हो और सीना जकड़ जाए, सीना जकड़ जब जाता है खांसी में, मामूली सी चीज है खांसी, सीना जब जकड़ जाता है और जाइए मरीज के पास, कैसी तबीयत है मौलाना, सांस लेना मुश्किल है, माना सांस लेना मुश्किल है, जैसे ही खांसी आती है पूरा पहलू पूरा सीना, ए अल्लाह फरियाद है फरियाद कहा जाता है 75 दिन या 95 दिन, जिसके सीने में कील पैवस्त हो, जिसका पहलू टूटा हो, पसली की हड्डी सीने में पैवस्त हो गई हो, वो 95 दिन जिंदा कैसे रही जिसकी हर सांस मौत थी।
और उसी फरियाद के साथ पुकारिए जिस फरियाद के साथ सैयदे मर्जिया ने अपनी मुसीबत में पुकारा था। हम लोग मुसीबत ज्यादा है इस मनहूस वबा से, हम जिन मुश्किलात में गिरफ्तार हैं, इस मुसीबत को फातिमा के लाल के अलावा कोई रद्द नहीं कर सकता। और फातिमा ने अपनी मुसीबत में पुकार के बताया, अल्लामा अमीनी जिम्मेदार है इस रिवायत के, इसका सवाब उन तक पहुंचे। बीबी जब बहने दरो दीवार पीसी गई तो तीन जुमला है या बता, उसी अंदाज में जैसे तड़प के सैयदा ने कहा था वैसे साथ मिलकर सब लोग कहिएगा। जब बीबी बने तेरे बीमार पीसी गई तो जुमला का या बता, हाँ कहना यू फालो बिबना तिग वहाबी बातें बाबा बाबा, और देखो तुम्हारी चहेती बेटी के साथ, तुम्हारी लाडली बेटी के साथ कैसा सलूक किया जाना है। दूसरा जुमला, दूसरा जुमला, या फिज्जतो इलैके फखुदीनी वल्लाही कुतला माफी आशाई, फिज्जा मुझे संभालो फिज्जा, मेरा मोहसिन मार डाला गया फिज्जा। और तीसरा जुमला लामा मिनी का, एक बार अपनी ताकतों को इकट्ठा करते हुए सिद्दीका ने पुकारा, या महदी ए मेरे खून का बदला लेने वाले, ए मेरी मजलूम बदला लेने वाले, ए मेरे अल्लाह सैयदा के वरम जदा बालियों का वास्ता, नीले रुखसार का वास्ता, सीने में चुभी हुई कील का वास्ता, इमाम जमाना के जोर में ताजील फरमा, इमाम जमाना के जोर में ताजील फरमा, इमाम जमाना के जोर में ताजील फरमा, हम गुनाहगारों को उनके नासिरों में शुमार फरमा, इस मनहूस वबा से आजादारों को निजात फरमा, आजादारों के सदके में दुनिया के तमाम मजलूमों को निजात फरमा। बखत में मैं जी सजादारों, तारीख के मुताले ने बताया कि अली मुर्तजा को तीन जगह रसूलुल्लाह का वास्ता दिया गया। लोग समझते हैं जब अली को बाहर निकाला गया अलैहिस्सलाम तो अली खामोशी से सर झुकाए चले गए, नहीं ऐसा नहीं है। उठाकर आप तारीख देखिए, याकूबी से लेकर आगे की सब तारीख देखिए आप। अली ने उस मलून का को गिराया और कहा, अगर रसूलुल्लाह से मैंने सब्र का वादा न किया होता तो मैं तुझे बताता। इतने में लोगों ने समझा कि इसको कत्ल कर देंगे, अली तो दौड़ते हुए आ गए। लोग, ए अली आपको रसूलुल्लाह का वास्ता है कि आप इनको छोड़ दीजिए। रसूलुल्लाह का वास्ता अली मुर्तदा ने छोड़ दिया। दूसरा वाकया मस्जिद में, वलीद को प्लान के मुताबिक तय किया गया कि वह अली को कत्ल करेगा, फिर मना कर दिया गया। हसन ने पूछा कि अगर तुझे हुक्म दे दिया जाता तो क्या तू मुझे कत्ल कर देता? कहा हम कर देते। जब बुजदिल को पीछे से हुकूमत की तरफ से पुशिंग मिलती है तो वो ऐसे ही बकता है। जैसे कहा कि हाँ कत्ल कर देता, हसन ने वही उसको गिराया। और तारीख का जो जुमला है वो ये है कि वो नजिस हो गया। लोग आगे, या अली आपको रसूलुल्लाह का वास्ता, इसे छोड़ दीजिए। हसन ने फिर छोड़ दिया, अली ने फिर छोड़ दिया। तीसरा मरहला, जब सैयदा की नफ्शे कब्र का मामला आया, कब्र खोदने की बात आई, अली ने गिराया, कहा कि आगे बढ़े तो यहीं पर तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया कि दीन में इख्तलाफ तफरका ना, लेकिन यहां आगे बढ़े। फिर वो आ गए मलून इब्ने मलून, अली छोड़ दीजिए रसूलुल्लाह का वास्ता। मैं ढूंढता रहा कि इतने मौके पर अली को रसूलुल्लाह का वास्ता दिया गया कि अली रसूलुल्लाह का वास्ता छोड़ दीजिए, ये अली रसूलुल्लाह का वास्ता छोड़ दीजिए। जब ज़ेहरा बहने दरे दीवार पीसी जा रही थी तो एक ना आया जो कहता तुम्हें रसूलुल्लाह का वास्ता, ये नबी की बेटी है, अरे ये नबी की बेटी है, अरे उस नबी की बेटी है जिस
जिसने तुम्हें जीना सिखाया, जिसने तुम्हें दरिंदे से, अरे फातिमा को छोड़ दो, फातिमा को छोड़ दो, किसी ने नहीं कहा, बाकेली फातिमा थी जो कहे जा रही थी तुम्हें रसूलुल्लाह का वास्ता अली को छोड़ दो, तुम्हें खुदा का वास्ता अली को छोड़ दो, अरे मैं सर के बाल बरायना कर लूंगी, अली को छोड़ दो, कोई ना मिला, एक बेटी को माँ को कोई ना मिला, एक करबला में बेटी को कोई नहीं मिला, जो कसर मदीने में छूट गई थी वो हुसैन की लाश को पामाल करके, अरे जितने थे सबने अपने अपने लाशें हटा लिए, हर कबीले वाले ने लाशा हटा लिए, भरी करबला में एक हुसैन का लाशा पड़ा रहा, एक बहन थी जो कह रही थी अरे मुझे पामाल कर दो, लेकिन हुसैन को छोड़ दो, ये नबी का नवासा, अरे एक ना सोने इधर के घोड़े उधर बाबा मजा सो